हमारा ये स्टबर्न टमी फैट हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से हम अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करते हैं और इसकी वजह से हमें फिजिकल एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम होती है। कई मामलों में टमी फैट इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कमर में दर्द या घुटनों में दर्द जैसी शिकायतें भी होती हैं। अगर आप नॉन इन्वेसिव मेथड की तरफ भी जाते हैं तो आपको 3 से लेकर 6 विजिट करनी पड़ती हैं महीने महीने के गैप पर। अगर आप बैरियट्रिक सर्जरी करवाते हैं तो उसके में भी रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लाइपोसक्शन चूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए तो उस एरिया के फैट को बहुत तेज़ी से गलाकर निकाल दिया जाता है, जिससे कि आप एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा वज़न कम करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और अपने पिछले 7 साल के अनुभव के द्वारा प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से मैं अपने मरीजों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प कर रहा हूं। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने क्लिनिक मिनर्वा क्लिनिक में अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ डेडिकेटेड हूं आपको अपना परफेक्ट बॉडी शेप अचीव करने में हेल्प करने के लिए। इस नई दुनिया में जहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा क्लिनिक एक बीकन ऑफ होप है उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्टबर्न टमी फैट से। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमी फैट क्यों आसानी से कम नहीं होता, क्यों महीनों तक डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी ये वापस आ जाता है, इसको परमानेंटली कम करने का क्या तरीका है, और इस तरीके की ऐसी 7 खूबियाँ बताऊँगा जो कि आपको किसी भी वजन कम करने की मेथड में नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं जगह जगह पर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी शेयर करूंगा जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए उन लोगों में जिसको इन वीडियो से हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टमी फैट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को फिट दिखाना चाहते हैं या फिट फील करना चाहते हैं। आज की दुनिया में जबकि खाने में मिलावट, स्ट्रेस और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हम अपने वज़न को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और कई मामलों में डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बाद भी टमी फैट नहीं जाता है। हमारा ये स्टबर्न टमी फैट हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से हम अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करते हैं और इसकी वजह से हमें फिजिकल एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम होती है। कई मामलों में टमी फैट इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कमर में दर्द या घुटनों में दर्द जैसी शिकायतें भी होती हैं, जिसकी वजह से आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं रह पाते। तो अब हम जानेंगे कि क्यों हमारा वज़न कम नहीं होता है और हम किस तरीके से अपने वज़न को या टमी फैट को कम कर सकते हैं। हमारा टमी फैट कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डाइटरी हैबिट्स और हार्मोनल इम्बेलेंस। इन वजहों से कई बार टमी फैट इतना रेजिस्टेंट होता है कि वो नहीं जाता है। आपको ये जानना चाहिए कि फैट हमारे बॉडी में एडिपोज सेल्स में पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति में एडिपोज सेल्स की संख्या बॉडी में फिक्स होती है, ये संख्या कभी भी घटती या बढ़ती नहीं है। यानी कि अगर मान लें कि आपके बॉडी में 1 बिलियन फैट सेल्स हैं तो ज़िंदगी में हमेशा आपके बॉडी में 1 बिलियन फैट सेल्स ही रहेंगी। आप डाइटिंग और एक्सरसाइज के माध्यम से बस इन फैट सेल्स का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इनकी संख्या कम नहीं होगी। हमारे मिनर्वा क्लिनिक में हम टमी फैट को एसेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्केल के माध्यम से ओबेसिटी को जज करते हैं। Grade 1 यानी कि बहुत कम फैट और Grade 4 यानी कि बहुत ज़्यादा फैट यानी ओबेसिटी। हर एक ग्रेड के लिए एक स्पेशल पर्सनलाइज प्लान डेवलप किया जाता है। टमी फैट को डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट का एक थॉरो कंसल्टेशन करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि पेशेंट की मेटाबॉलिक प्रोफाइल ठीक है या नहीं, उसे कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड या फिर लिपिड प्रोफाइल की डिस्टर्बेंस तो नहीं है। ऐसा पता लगाने के बाद हम पेशेंट को उसके हिसाब से वेट रिडक्शन प्लान सजेस्ट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम किस तरीके से मिनर्वा क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के टमी फैट को ट्रीट करते हैं। टमी फैट को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सरसाइज। जब भी हम डाइटिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारे फैट सेल्स का साइज़ डिक्रीज होता है, जिससे कि हमारा शेप पहले से इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल मास इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा फिट महसूस करते हैं और इस वजह से वज़न तेज़ी से कम होता है।
जैसा कि हम मानते हैं कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और एक्सरसाइज वजन कम करने के लिए फंडामेंटल है, लेकिन कई मामलों में स्टबर्न टमी फैट डाइट और एक्सरसाइज से कम नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को सर्जरी की सलाह देते हैं या फिर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। आमतौर पर किए जाने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट इस प्रकार हैं। फॉस्फेटिलकोलिन इंजेक्शन, जो कि हम फैट की सुपरफिशियल लेयर में लगाते हैं जिससे कि थोड़ा सा फैट की लेयर कम होती है। नेक्स्ट है नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। आजकल हाइफू, क्रायोलाइपोलिसिस और अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसमें आप बिना सर्जरी के माध्यम से अपने वजन को थोड़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। इसके बाद आती है सर्जरी। सर्जरीज को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली है बैरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें कि हम किसी तरीके से आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके एरिया को कम करते हैं जिससे कि खाना कम एब्जॉर्ब हो सके, इससे धीरे धीरे करके फैट कम होता है। और दूसरा है लाइपोसक्शन। इस सर्जरी में हम क्या करते हैं कि हम फैट को गला करके बाहर निकाल लेते हैं जिससे कि आपका वजन तेज़ी से कम होता है। लाइपोसक्शन सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें हम बॉडी में 3 से 4 मिलीमीटर के बहुत छोटे इंसीजन बनाते हैं जिसके द्वारा एक सॉल्यूशन हम फैट लेयर में इंजेक्ट करते हैं जिससे कि फैट गलने लगता है। बाद में लाइपोसक्शन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम उस फैट को गलाकर बाहर निकाल लेते हैं जिससे कि आपका वजन तेज़ी से कम हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि लाइपोसक्शन सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है तो राइट अपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके आप इस सर्जरी के वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में लाइपोसक्शन के बारे में ही फोकस करूँगा। आइए हम जानते हैं उन 7 वजहों को जिसकी वजह से लाइपोसक्शन सर्जरी बाकी किसी भी वेट रिडक्शन की मेथड से बेहतर है। लाइपोसक्शन सर्जरी एक सिंगल डे प्रोसीजर है। अगर आप डाइटिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको महीनों करना पड़ता है। अगर आप नॉन इन्वेसिव मेथड की तरफ भी जाते हैं तो आपको 3 से लेकर 6 विजिट करनी पड़ती हैं महीने महीने के गैप पर। अगर आप बैरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं तो उसके में भी रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लाइपोसक्शन चूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए तो उस एरिया के फैट को बहुत तेज़ी से गलाकर निकाल दिया जाता है जिससे कि आप एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा वजन कम करवा सकते हैं। लाइपोसक्शन सर्जरी आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। डाइट, एक्सरसाइज, इंजेक्शन, नॉन इन्वेसिव मेथड या बैरियाट्रिक सर्जरी में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन लाइपोसक्शन में आप सेम डे वजन कम पा सकते हैं। अगर आपका वजन 90 किलो है तो लाइपोसक्शन सर्जरी करवाने के बाद सेम डे आपका वजन 80 किलो तक हो सकता है। लाइपोसक्शन सर्जरी के माध्यम से आप टमी फैट में परमानेंट रिडक्शन करवा सकते हैं। किसी भी और मेथड में ये गारंटी नहीं होती कि आपने जो फैट कम किया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने डाइटिंग एक्सरसाइज की है और उसको बंद कर दिया तो आपका वजन वापस से बढ़ने लगेगा, लेकिन अकेले लाइपोसक्शन एक ऐसी मेथड है जिसमें आपने अगर किसी एरिया का लाइपोसक्शन करवाया है तो उस एरिया का जो शेप है वो वैसा का वैसा बना रहेगा लंबे समय तक, अगर आप अपने रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करते हैं। लाइपोसक्शन सर्जरी की एक खासियत है कि ये पूरी तरह से कस्टमाइज्ड प्रोसेस है, यानी कि आप कम या ज़्यादा लाइपोसक्शन करवा सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा एरियाज़ का लाइपोसक्शन करवा सकते हैं और आपकी बॉडी जैसी है उसके हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट प्लान को टेलर कर सकते हैं और मनचाहे रिजल्ट पा सकते हैं। लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक सेफ़ प्रोसीजर है। इसमें आपको ऑपरेशन के बाद जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, घर पे आप रिकवरी कर सकते हैं और एक आपको हेल्थ प्लान दिया जाता है जिसमें कि आप डाइटरी एडवाइस को फॉलो करते हैं और लंबे समय तक अपना वजन मेंटेन रख सकते हैं। लाइपोसक्शन सर्जरी के वीडियोस देखकर आपको डर लग सकता है कि ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइपोसक्शन में बहुत मिनिमल पेन होता है। चूँकि सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है तो सर्जरी के दौरान आपको पेन का पता नहीं लगता और ऑपरेशन के बाद भी आपको पेन रिलीफ मेडिकेशंस दी जाती हैं और 1 से 2 दिन के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है और आप आराम से घर के सारे काम कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको एक्सरसाइज करने की भी एडवाइस दी जाती है। लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बहुत कम सलाह देते हैं। पहला तो आपको अपनी डाइट थोड़ी सी कम करनी है क्योंकि आपके बॉडी का फैट हमने काफ़ी सारा निकाल दिया होता है,
तो आपको डाइट थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है। दूसरा, हम आपको बोलते हैं कि आप एक प्रेशर गारमेंट पहने जिससे कि आपके बॉडी का शेप अच्छे से रह सके। ये प्रेशर गारमेंट आपको 3 से लेकर 6 महीने तक पहनना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइपोसक्शन एक रिस्की प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक एक्सपर्ट सर्जन के हाथों में ये सर्जरी काफ़ी सेफ है। लाइपोसक्शन सर्जरी ओटी में की जाती है, जनरल एनेस्थीसिया में, जहाँ पर सारे रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको उसी टाइम पर टैकल किया जा सके। इसलिए लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद में रिकवरी काफ़ी स्मूथ होती है। अब हम बात करते हैं लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो किसी भी और सर्जरी की तरह ही लाइपोसक्शन सर्जरी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि सिरोमा, हेमेटोमा और ब्लीडिंग। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही माइनर कॉम्प्लिकेशन है जिनको आराम से टैकल किया जा सकता है। कभी कभी कुछ केसेस में अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन जैसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि किसी एरिया में से ज़्यादा फैट निकाल दिया और किसी एरिया से कम फैट निकाला, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्टूर डिफॉर्मिटी हो सकती है जिसको हम बाद में दोबारा सर्जरी करके करेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि स्टबर्न टमी फैट को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। स्टबर्न टमी फैट के लिए डाइट और एक्सरसाइज के अलावा लाइपोसक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप हमारे क्लिनिक में आसानी से अवेल कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप हमको 7080213331 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली जवाब देता हूं। हमारे बाकी वीडियोस को भी देखें जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।